मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 20 साल से विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला है और अब दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। और आखिर इन 39 परिवार के साथ प्रशासन नाइंसाफी क्यों कर रहा है? जब मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट दे दी है तो फिर जिला प्रशासन उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है? जैसे ही एडवोकेट जैन के साथ पहुंचे विस्थापित लोगों ने कलेक्टर से कही तो वहीं बोली कि तहसीलदार गांव में बुधवार को 11 बजे पहुंचकर कैंप करेंगे और इन प्रकरण का समाधान करेंगे। एडवोकेट अभय जैन ने कहा कि तहसीलदार शिवपुरी द्वारा गलत जानकारी प्रशासन को दी जा रही है। उनसे जब पूछा गया कि इन विस्थापितों को जगह क्यों नहीं मिली तो रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो नए बलारपुर में नहीं ले रहे हैं उनको मुआवजा कैसे दें, जबकि पुराने बलारपुर में विस्थापित होने वाले परिवार कहीं भी रहें प्रशासन को इन्हें मुआवजा देना चाहिए। इस बात पर तहसीलदार से बात करने को आवेदकों से कहा गया लेकिन सुनवाई में वह मौजूद नहीं थे। आवेदक बोले कि गांव में ही तहसीलदार को क्यों नहीं भेजा जाता जब आप पूरी टीम के साथ उन्हें भेजकर मुआवजे कार्रवाई करवाएं। इस पर कलेक्टर अनुग्रह पी ने फोन पर तहसीलदार को निर्देश दिए कि बुधवार को पूरी टीम के साथ गांव जाकर कैंप करें और प्रकरण का निराकरण करेंगे। शिवपुर से देवेश सेन की रिपोर्ट। आज भीड़ को आप कैसे लाए, क्या परेशानी थी और कहां से आए? बलारपुर से विस्थापित किया गया था वो जो गांव को, उसको नया बलारपुर बसाया गया था। 100 परिवार विस्थापित किए गए थे जिसमें से 59 परिवारों को बोला था कि आपको बाद में देंगे ज़मीन, है ना। अभी 19 साल हो गए हैं, मानवाधिकार आयोग ने अपनी अंतिम अनुशंसाएँ जारी कर दी हैं लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी, 1.5 साल गुजर गया है अब तो, इनफैक्ट अब 2 साल हो गए हैं, 2 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक उनका पालन नहीं हुआ है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो प्रशासन है ना तो मानवाधिकार आयोग का सम्मान करता है ना ही और जो प्रशासनिक व्यवस्था में और जो कानून दिए गए हैं उनका पालन कर रहा है। इतने बार जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद वो नहीं माने और आज हम यही संकल्प लेके आए थे कि तहसीलदार ने जो रिपोर्ट बनाई थी 39 परिवारों की पात्रता की, वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण रिपोर्ट है, इलीगल है, इलॉजिकल रिपोर्ट बनाई है और हमने उस यही विरोध कर रहे थे कि हम उसका जवाब नहीं देंगे। अगर तहसीलदार को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो गांव आएगा, गांव में जो लोग हैं उनका जवाब लेगा। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो शासन और कानून में यह व्यवस्था है कि अधिकारी उसको सर्व जो भी मदद मिल सकती है वो मदद करेगा। तो अभी यही आदेश हुआ है, अभी तो यही निराकरण निकला है इसका कि कल सुबह 11 बजे तहसीलदार गांव में आएगा, सबकी रिपोर्ट बनाएगा, वीडियोग्राफी करेगा और फिर उसके बाद जो है फाइनल रिपोर्ट रिलीज करेगा और वो सबको पढ़ के समझाएंगे। और यही अभी बोला और एक भी अनुशंसा का पालन मानव अधिकार आयोग की अगर प्रशासन बता दे तो हम यहीं चुप बैठ जाएंगे कि हमने एक अनुशंसा का पालन किया है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि यही हर गांव में हो कि गांव के अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको क्यों मजबूर किया जाए पढ़ा लिखा रिप्लाई देने को। अधिकारियों को खुद उनको समझाना चाहिए और फिर उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। और यही ये बताइए यदि आपका निराकरण नहीं होता तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, मानवाधिकार आयोग की अंतिम अनुशंसाएं जो हैं वो सम्माननीय हैं और उनका पालन करना शासन की जिम्मेदारी है। इसमें हम लोग जो है पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और यहीं पर आके बिल्कुल घेराबंदी करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लीगल इशू ही नहीं है। जब सब कुछ फैक्ट्स क्लियर है, जब लॉ क्लियर है तो हम हाई कोर्ट क्यों जाएं? प्रशासन आपकी क्यों नहीं सुन रहा, क्या कर रहा है? देखिए, तहसीलदार ने जिस तरीके से रिपोर्ट बनाई है उससे तो यही हमें लगता है कि तहसीलदार को जो मुद्दा है उसकी जानकारी नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट्स देखे, बिना विस्थापन नीति और पुनर्वास नीति पढ़े लिखे रिपोर्ट बना दी गई है। तो हमें ये लगता है कि मुद्दे को बिना समझे उसके ऊपर कार्य करना संभव नहीं है और वही प्रशासन कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।